अभी शाम हो चुकी है और शाम क्या एक्चुअली रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं और पार्टी चल रही है एक साइड पे। गृह प्रवेश की पूजा है तो वहाँ पे हम लोगों का कैंटीन का खाना बन रहा है, तो बस कैटरिंग का जो ऑर्डर है हम ही लोगों को मिला है तो वही चल रहा है। अभी मैं गांधी मैदान वाले ऑफिस से निकल रही हूँ और उस साइड पे जा रही हूँ देखने के लिए, तो बस देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मिलती हूँ फिर मैं आपसे। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं इस पेड़ पे, मुझे तो मतलब देख के ही मुँह में पानी आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। तो खूबसूरत लग रहा और ये गांधी मैदान में कुछ अच्छे लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिला रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया। देखिए आप भी जितना हो सके किसी न किसी की तो हेल्प कर ही सकते हैं। मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मम्मी पापा हो गए, 4-5 दिन हो गए हैं और मैंने जैसा कि आपने पिछले क्लिप में देखा है एक दो बार सोचा कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ बट इच्छा नहीं हो रही थी, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया। और आज संडे है बट फिर भी ऑफिस जाना है क्योंकि कुछ काम है तो उसको स्किप नहीं कर सकती, तो बस मैं रेडी हूँ, अभी नाश्ता करूँगी और ऑफिस के लिए निकलूँगी। आप लोग बताइए आप लोगों का दिन कैसा कट रहा है गर्मियों में? यहाँ तो चूँकि आज मॉर्निंग में हल्की सी बारिश हुई है बट उस बारिश का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि धूप अभी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है, बट क्या कर सकते हैं वो तो अपने हाथ में नहीं है। बस बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए और जितना ज़्यादा हो सके पानी को बचाइए, यही बोलूँगी मैं मैं भी ऐसा करती हूँ तो आप लोग भी ऐसा कीजिए, ये नेचर के लिए बहुत अच्छा है। तो बस अभी चलते हैं ऑफिस नाश्ता करके, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और देखते हैं आज पूरा दिन कैसे बीतता है। शाम होने वाली है और एक आयुष्मान खुराना की न्यू मूवी रिलीज़ हुई है अनेक, तो मैं वही देखने आई हूँ, मुझे वो बहुत ही अच्छा उसका ट्रेलर लगा तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। और अभी काम भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो अभी मूवी में टाइम है तभी हम लोग घर ही आए हुए हैं और ये कहाँ जाएंगे, ये साथ ही रहेंगे लेकिन, तो बस ये भी साथ में आए हुए हैं तो अभी हम लोग यहीं पे कुछ खाएंगे और उसके बाद जब मूवी का टाइम होगा तो मूवी देखने जाएंगे। लेकिन अभी बहुत गर्मी है तो बाहर में नहीं रखना चाहती थी उसको, क्योंकि बीमारियाँ वगैरह बहुत जल्दी आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा शोर है यहाँ पे, तो शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, मैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए मैं आपसे मिलती हूँ बात। देख लिया है और अभी मैं ऑफिस आ गई हूँ, चूँकि मैं गांधी मैदान साइड मोना में मूवी देख रही थी और ऑफिस मेरा बगल में ही है तो अभी कुछ पार्टी चल रहा है, डिनर चल रहा है तो मम्मी बोले कि यहीं आ जाओ और साथ में निकलेंगे एक घंटे और अभी 10 बजने वाले हैं। एक्चुअली मैंने नाइट का शो लिया था, नाइट का इवनिंग का शो लिया था क्योंकि उसके पहले का कोई शो था नहीं। अगर बात करूँ मूवी की तो अजीब विडम्बना है हमारे देश की कि जब भी देश के ऊपर कोई मूवी बनती है तो लोग उसको पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। अभी आई थिंक ये मूवी स्टार्ट हुए रिलीज़ हुए 5 दिन हो चुका है और मुझे बहुत बुरा लगा कि मूवी चल नहीं रही है जैसे इसे चलनी चाहिए थी। रही बात मूवी की तो मूवी बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे देश से जुड़ी कोई भी बात होती है तो मैं उसको फ्लॉप नहीं मानती हूँ, मेरे ख्याल से देश से जुड़ा कोई भी मुद्दा इम्पोर्टेंट ही होता है। तो बस अब हमारे ऊपर है कि हम क्या करते हैं
और बस मूवी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए अनेक मूवी। और क्या, अभी फ़ोन आ रहा है तो पहले मैं उसे अटेंड कर लेती हूँ। तो बस यही है, मूवी अच्छी थी, आप लोगों को भी देखनी चाहिए, यही मैं बोलूँगी। और अभी 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो चुका है और आई थिंक 1.5 घंटा लगेगा, डिनर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे साथ में ही। मैं बगल में थी तो चूँकि हमी ने बोला कि आ जाओ यहीं पे, साथ में ही निकलेंगे, 1 घंटे के पहले घर जाने से क्या मतलब है, तो इसीलिए मैं आ गई। और अभी मैं बैठी हूँ और अभी फ़ोन आया था कि आओ, जब आई ही हो तो ऊपर में थोड़ा देख लो, थोड़ा हेल्प करवा दो। तो बस अभी जा रही हूँ और क्या जा रही हूँ, थोड़ा हेल्प वेल्प करवाऊँगी। और ये एक छोटू सा ब्लॉग है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं होगा ये। तो बस जैसे और वीडियो को प्यार देते हैं, इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो बनाए रखिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे होपफुली अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। और ये खाना लगा।